तो राम राम भाई, सारे भाई ने एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मंजीत भारद्वाज व्लॉग में। दोस्तों फिलहाल खड़े गुड़गांव, गुड़गांव का सेक्टर 86 यानी कि सेक्टर 86 में खड़े हैं। और आप एक बार पीछे नजारा दिखा दे, देखो कितना बढ़िया है। तो उर एक चीज पता चल रही थी, जो चाइनीज में जो खाना बना हुआ है उसमें जो सामान सामान यूज हुआ है वो बहुत ही बढ़िया मिला उ इमली नाम था यार सोप है। तो भाई तो अंदर जाकर दिखाऊंगा, अपने को बैक कैमरा दिखा दिया, पहले मोल देख लियो और चूर देता है। और आगे इमली का नाम तो बना रखी है सोप। और भाई तो अंदर जाकर पूरी की पूरी नॉलेज ले आवेंगे कि कुछ उन्हें मिला है कि कुछ गार्ड है हमें तो अपना तो भाई देसी भाषा वार्ता उतार लग रहे यहाँ अंदर भी लगा। राम राम भाई, कैसे हो? हाँ काम चल रहा है, देख लो भाई काम चल रहा है। फिलहाल भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो अंदर आपका दिखाऊंगा भाई सारी चीज जो इमली में आपने कैकी में नहीं मिली है। आपने पहला कह दे कुछ हमें सुनी होगी, लेकिन ये चीज मिला है इमली में। ये जो आपने देखे ना किचन के कमेंट्स में जो सामान मिले कर गोलगप्पे वाले भी आपने देखे हो गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखे हो गए, पूरा भाई मिले अंदर मिले। राम राम भाई जी। हाँ जी भैया। हाँ तो भाई यहाँ का बहुत नाम सुना था कि सेक्टर 86 में गुड़गांव में एक इमली नाम था सोप है, और इसमें जो अपना देखा ना आप बड़ी बड़ी रेडी भी हो अपने रेस्टोरेंट हो गोलगप्पे वाले रखे हैं, एक एक चीज इसका बारे में बताओ। फ्राइड राइस मंचूरियन वगैरह वो सब इसी पे बनता है। इसमें ऊपर दो टूटियां लगी हुई है, इसमें आरओ का कनेक्शन है, ये सारा एकदम पूरा चाइनीज का सेटअप इसी पे बनता है जितनी भी चीजें होती है। टूटी दवा देखा खासकर भाषण भूषण दो नहीं, इसमें आरओ का कनेक्शन होता है, जो भी पानी यूज होगा चाइनीज के लिए कुछ भी चाहिए होगा मंचूरियन के लिए पानी चाहिए होता है जिस भी चीज में वो सब मतलब यहाँ से आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर सामान बनागा उसमें डायरेक्ट यूज होगा। हाँ, बिल्कुल सीधा सीधा इसमें से ऊपर से पानी लिया, यहाँ पे अपना पानी ले लिया और सारा इसमें आरओ का पानी सिस्टम कनेक्टेड है। एक बार करेक्ट एड्रेस बता दो अगर किसी को। करेक्ट एड्रेस है इसका इमली सेक्टर 86 गुड़गांव नियर SS ओमानिया ग्रुप। ठीक है, इसका ये बटन से क्या है? ये बटन सारे के सारे इसके गैस के कनेक्शन है, कोई कम करने का है कोई तेज करने का है, सारे कनेक्शन इनसे पूरा गैस बैंक से कनेक्टेड है। ये हमारा गैस बैंक बनाया हुआ है। गैस बैंक मतलब? गैस बैंक मतलब इसमें चार सिलेंडर एक बारी में कनेक्टेड हो जाते हैं ताकि कल को सिलेंडर की किसी भी चीज की दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरी रेंज है एक, उसमें प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है तो चार सिलेंडर का प्रेशर एक साथ हमें एक से ज्यादा मिल जाता है। साथ के साथ चलते रहे, ये हमारा साइड टेबल है, इस पे जो शेफ होगा अपना सब्जी वब्जी काट लेगा, सारे के सारा अपना जो सामान है पतीले बर्तन बुर्तन वो सब इन टेबल्स पे रखे जाते हैं। मतलब ये सारा सामान सही से रखा जाओगा? हाँ बिल्कुल, ये हमारी दोनों नॉर्थ इंडियन रेंज है, इस पे अपना दाल मखनी चावल चाय पनीर कोई जलेबी बनानी है कुछ भी बनाना है वो सब जो भी नॉर्थ इंडियन की रेंज होगी वो सब इन्हीं पे बनेगी। हाँ सांभर वगैरह कोई भी सब्जी सब्जी का सारा काम इन पे होता है। और ये इसके साथ का टेबल है, ये इसके साथ का टेबल है, इसमें स्टिकर लग रहे हैं, इक्विपमेंट है, ये बलजीत जी की कंपनी है हमारे, इनका बहुत बढ़िया काम है, जो डेट बोलते हैं उसी डेट को सारा का सारा आपको करके दे देंगे। अगर इनकी मंगवाना हो तो कुकर ये नंबर तो आप स्क्रीन पे दे, इसका नंबर बिल्कुल बिल्कुल नंबर इनका आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ दिख जाएगा, आप इनको कॉल करें आपकी साइट पे आएंगे सारे के सारे साइज लेंगे और बेस्ट टू बेस्ट रेट पूरी मार्केट में आपको जो कहीं पे भी नहीं मिलेगा वो आपको ये दे सकते हैं। मतलब खाना बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को इतनी दिक्कतें आई अपने रेस्टोरेंट पूरा सेटअप करने में, पर किचन के लिए मेरे को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आई। अच्छा अच्छा, और आप बता रही है क्या? ये हमारा डोसा का बर्नर है, इस पे अपना डोसा बन जाता है, उत्पम बन जाता है, रवा डोसा सारी चीजें डोसे की इस पे बन जाती है, इसको हॉट प्लेट बोलते हैं। उत्पम डोसा इडली डोसा सब, सब कुछ सब कुछ साउथ इंडियन का जो भी बनना है वो इस पे बनना है। अच्छा, ये सारे इसके स्टोव है, इसमें अपना ऐश वगैरह आ जाती है, ये सारा अपना नॉब्स वगैरह है तेज करने के कम करने के जलाने के। ये हमारा तंदूर आ जाता है, ये इलेक्ट्रिक तंदूर है, कोयले वाला तंदूर है नहीं, ये कोई पॉल्यूशन नहीं करता और बहुत हैवी, बहुत हैवी तंदूर है ये, 300 किलो का इसका वेट है कम से कम। देख लो भाई एक बार अंदर देख लो। अच्छा, जो बड़े बड़े आप ड्राम में देखा जो मिट्टी लगाया करो वो? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है, पर ये आज के जमाने का है, वो जो पुराने जमाने के होते थे आज के जमाने तो ऑयल वाले तो तेल वाले ड्राम वगैरह इसके अंदर मिट्टी लगाया बनाते थे। हाँ वो चीज नहीं है, आज के जमाने की चीज है और ये बहुत बढ़िया और हैवी क्वालिटी में बना हुआ है। और इसके बारे में बताओ। ये हमारा बेन मेरी है, इसमें हमारा सारा का सारा शाही पनीर थाली का जितना भी मटेरियल होता है गुलाब जामुन दाल मखनी चावल सब कुछ हम बना के इसमें रेडी करके रख देते हैं। अच्छा। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आता है कस्टमर को हम गर्म करके थाली में सर्व करके आगे दे देते हैं। मतलब इसमें ठंडे वाला फ्रीज वाला सिस्टम भी और गर्म कर दोनों का सिस्टम एक ही में दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, मल्टीपल दोनों यूज इसके हैं। ये हमारा साइड टेबल है, इस पे अपना ब्लेंडर आ जाएगा, शेक बनाने हो जूस बनाना हो कुछ भी बनाना हो
सारी चीजें इस पे हो जाएंगी। ये हमारा मॉकटेल स्टेशन है, इसमें आइस बिन दिया हुआ है, इसमें अपनी बर्फ वगैरह आराम से सारी की सारी चीजें आ जाएगी। यहाँ पे आपने जो भी जूस की बोतल रखनी है, कोई शेक का फ्लेवर रखना है, वो सारे फ्लेवर्स की इसमें पूरी जगह दी हुई है। मतलब जो पुराने फ्रिज कर दो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपको फ्रिज वगैरह से बार बार बोतलें निकालने की कोई जरूरत नहीं, यही अपनी बोतल रखो, यह आपकी बर्फ है, यहाँ बनाते चलो, यहाँ से यही रखी हुई ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल, और ये इसके ऊपर के ग्लास के रैक हैं, इनको ये अभी वॉल में फिट हो जाएंगे हमारी, इसके ऊपर अपने ग्लास हैं, यहीं से बनाओ और यहीं से दे दो। ये आपका बोर्ड देखो इमली का, इसका मतलब क्या है? ये इमली रेस्टोरेंट है, ये हमारे दिल्ली में कम से कम भी 16 रेस्टोरेंट है इस टाइम पे, रजौरी गार्डन, पीतमपुरा, करोल बाग और गुड़गांव सेक्टर 47 और गुड़गांव सेक्टर 86 में अभी हम खोल रहे हैं। ये किस चीज़? ये हमारा इसको बोलते हैं सर्विंग स्टेशन, जो भी शेफ आगे से तैयार करेगा प्लेट वगैरह वो सारे के सारे ऑर्डर यहाँ पे रख देगा, जो भी ऑर्डर पैकिंग का आएगा वो सारी पैकिंग यहीं पे होगी और यहीं से आगे जाएगी। बिल्कुल, और नीचे इसके स्टोरेज भी है, यहाँ पे आप प्लेट रख सकते हैं, पैकिंग का सामान रख सकते हैं, कोई डिस्पोजेबल वगैरह रखने वो इसमें सब आप रख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा एक अलग से वॉशिंग एरिया बना दिया है, ये हमारा फ्रीजिंग है, जो भी बाहर से जो भी प्लेट यूज होगी, जो भी कस्टमर खाएगा वो प्लेट वगैरह लाके यहाँ रख देगा, यहाँ से जो लड़का होगा वो उठा के इसमें धोएगा और वापस इस रैक में रख देगा। ये रैक है और इस रैक में से शेफ जो है वो अपनी प्लेटें साफ उठाते रहेंगे। ये डर्टी डिश लैंड वॉशर है, ये प्लेट वॉशर है, इसमें गंदी प्लेट आएंगी, इसमें साफ प्लेट आएंगी, इसमें गंदी आएगी, इसमें साफ रखी जाएगी। ये हमारा थ्री सिंक है, इन दोनों में गर्म पानी का पूरा सिस्टम है और इसमें नॉर्मल पानी का सिस्टम है। ये बाहर किसी का काम चल रहा है? बाहर हमारे रेस्टोरेंट की सीटिंग का काम चल रहा है सारा। बाहर आ गए यार, बाहर तो आपने देखो कितना बढ़िया हवा इन्हें तैयार कर रखा है सारा का सारा सेटअप, गर्मी हो रही है बहुत। बाहर अभी हमारा काम चल रहा है, 30 तारीख को हमारी ओपनिंग है, जो जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको जरूर आना है। इन्विटेशन देना लाइक। बिल्कुल बिल्कुल, 30 तारीख को ओपनिंग है, 4 बजे के बाद पूरी जोन जोन से लोग आ सकते हैं, सबने जरूर आना है। गुड़गांव के आसपास के सारे? हाँ बिल्कुल, पूरे गुड़गांव के, दिल्ली से जहाँ से भी लोग आ सकते हैं उन सबने आना है। फोटोग्राफी बहुत बढ़िया एरिया है, जगह फोटोग्राफी करनी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू भैया, थैंक यू जी। देख लो भाई, आप स्क्रीन पर नंबर देखने लग रहे हो, अपना कुछ भी मंगवाना है तो स्क्रीन पर नंबर देखो, ऑर्डर करो, वीडियो किसी लागे कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब और लाइक करो। जय हरियाणा।